Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं कैलाश यादव की प्रतिमा को अनावरण करने के लिए गाजीपुर में पहुंचे हुए थे और गाजीपुर में वो गजब का स्पीच भी दिए, तो वहां पर तमाम लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ी चर्चा मुख्तार अंसारी को लेकर होती है, तो मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी हैं, जो कि मोहम्मदाबाद से कई दफा विधायक रह चुके हैं, वो भी अखिलेश यादव स्वागत करते नजर आए। तो वहीं दूसरे साइड उनके बड़े बेटे जिनका नाम शुहेब अंसारी है, जो कि फिलहाल मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए, तो फूलों का गुलदस्ता देकर अखिलेश यादव का स्वागत करते नजर आए। इससे पहले भी आपको पता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी गाजीपुर का दौरा कर चुके थे, जिसको कहा यह जा रहा था कि यह चुनावी शंखनाद है और 2024 के लिए चुनावी शंखनाद जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा गाजीपुर में अगर चर्चा हो रही है तो वो चर्चा हो रही है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं और अफजाल अंसारी जो सांसद बने थे वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चलते बने थे, यानी कि दोनों का गठबंधन था 2019 में और दोनों के गठबंधन के सहयोग से अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो सांसद बन गए। हालांकि अब जो है रिश्ता अलग अलग हो गया, बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई है, समाजवादी पार्टी अलग हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अफजाल अंसारी कभी भी अखिलेश यादव पर वार नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार अफजाल अंसारी जो हैं वो इस सभा में क्यों नहीं गए। ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं इसलिए नहीं गए, तो सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या 2024 में अफजाल अंसारी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग जब कोई भी पार्टी लड़ी है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और बीएसपी वहां दूर दूर तक नजर नहीं आई है। तो क्या समाजवादी पार्टी अलग है, बहुजन समाज पार्टी अलग है, तो जब 2024 का चुनाव होगा तो क्या अफजाल अंसारी के जो भाई सिबकतुल्लाह अंसारी और मनु अंसारी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, या फिर अफजाल अंसारी जो है बीएसपी छोड़कर जो है सपा पे आ गए। तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न भी हो रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।